आप ये चाबी रखिए, मैं एक घंटे में आता। अरे पोपट भाई सुन, हमें भी जब एक घंटे में आ रहे हो तो फिर चाबी क्यों दे रहे हो? आप अपने पास ही रखो नी बाबा। हाँ बराबर है भाई, मैं पत्रकार हूँ, धुनी आदमी हूँ, पहले भी दो बार चाबी खो चुका हूँ। यहाँ वहाँ मैंने कहीं चाबी छोड़ दी तो अभी दया भाभी ने बताया ना, वो क्या था, चेतो नर सदा सुखी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं अभी आता हूँ एक घंटे में मिसल पाव खा के। पोपट भाई मैं क्या कहती हूँ कि घर में ही गर्मा गर्म मिसल बना दे, ऐसा कोई ले आई है ना। दया भाभी इस महंगाई के जमाने में एक आदमी के लिए रसोई को रखना बहुत महंगा पड़ता है। हाय जॉनी। पोपट भाई मैं रसोई वाले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं परमानेंट इलाज की बात कर रही हूँ। कौन सा इलाज? पेपरमेंट इलाज मतलब? अरे वो उसके लिए हमेशा के लिए हल हो जाए वैसा इलाज। अच्छा अच्छा परमानेंट इलाज। तो पोपट भाई आप अब शादी कर लो। दया भाभी आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे लायक कोई सुलझी हुई और समझदार लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। हाय एवरीवन। हाय रीता। हाय। हाय रीता। माधवी भाभी मैं आपके घर गई थी, एक्चुअली मुझे भीड़े भाई को ये सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक देना था, पर घर पे कोई नहीं था, आप दे देंगी प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। ये रीटा एकदम सही वक्त पर आई है। पोपट भाई ये रीटा भी आपकी तरह समाचार देने का ही काम करती है, तो उसके साथ ही जोड़ी जवाली जड़ा। I mean, no, never. It's impossible. अरे? Hey, never, ever. मैंने कहाँ हाँ बोला? मेरे लिए भी तुम कैंसल ही हो। और वैसे भी तुम मीडिया वाले एक नंबर के irresponsible होते हो। Hey, hello. What do you mean by irresponsible होते हैं हाँ? गैर जिम्मेदार। कहीं भी जाकर कुछ भी बोलते हो। आप लोगों का क्या ख्याल है? बारिश में खड्डे क्यों गिरते हैं? भाई खड्डे बारिश में नहीं गिरेंगे तो क्या धूप में गिरेंगे? अच्छा और तुम लोग क्या करते हो? हमारी आज की दिखाई खबर को शब्द फेर कर अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हो, पासी खबर बताते हो तुम लोगों को। बकवास, हर न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हो। आजकल पशु पक्षियों की लव स्टोरी दिखाते हैं टीवी के ऊपर। अच्छा जी और तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस ने आज तक क्या कर दिया? कौन से तूफान ले आया वो देश में? अरे मैं खुद एक तूफान हूँ, मुझे किसी एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है। अपना काम हम आता नहीं है, और दया भाभी आपको एक बात बताऊं, अगर ये पत्रकार पोपट लाल इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना तो भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी। ये देखो पत्रकार पोपट लाल का सबके सामने इस तरह से इंसल्ट, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे चलो चलो तुम क्या दुनिया हिलाओगे, खुद तो हवा के झोंके के साथ हिलते रहते हो। पोपट भाई देखिए मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आप लोग साथ हो जाइए प्लीज। दया भाभी आप इतना बोल रही है ना इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना जिनके दिमाग में राय भरी है ना वो भी सुन ले कि मेरी पसंद कितनी ऊंची है। अरे बड़े आए ऊंची पसंद वाले, खुद को देखा है कभी आईने में? तुम भी कभी मेरी चॉइस नहीं हो सकते हो। ए बदतमीजी से बात मत करो, तमीज से बात करो, मैं रेस्पेक्टेड पत्रकार पोपट लाल हूँ। इस तरह से बात करोगी ना तो गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा मैं। अरे पोपट भाई आप हमें बताइए कि आपको कैसी लड़की अच्छी लगती है? मुझे मुझे बबीता जी ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी भावनाओं को समझे, जो पढ़ी लिखी हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, खाना बनाना आता हो, अलग अलग तरह की डिशेस बना करके मुझे खिलाए, मेरे काम को समझे, मैं सुबह ऑफिस जाऊं तो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए, शाम को मैं जब घर लौटूं तो एक कोने में खड़ी खड़ी मेरा इंतजार करती हो, जो जो मुझे समझ सके,
इन शॉर्ट दया भाभी, मैं जिस लड़की को पसंद करूंगा ना, उसमें सारे गुण होंगे, सर्वगुण संपन्न। ओह सो स्वीट, छान। तो पोपट भाई, हम सब यहाँ पे यही प्रे करेंगे कि आपको आपकी मन पसंद लड़की जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू। यू वेलकम। आप सब लोग मेरे लिए दिल से प्रार्थना करना। हा? हाँ हाँ बिल्कुल। और सुनो तुम, ब्रेकिंग न्यूज, मेरे लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। हाँ तो मैं भी कोई करने वाली नहीं हूँ तुम्हारे लिए कोई ब्रेवरे। कुछ भी बोलता है दया भाभी। आप भी क्या, कभी भी कहीं पे भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हो। कहाँ मैं और कहाँ वो